टुडेज टॉपिक इज सोलर सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल एकेडमिक्स प्रोवाइडेड बाय मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अवर लास्ट चैप्टर, दैट इज अर्थ एंड सोलर सिस्टम। और अगर इसका फर्स्ट टॉपिक देखें, दैट इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। सन के अराउंड ऑर्बिट करने वाले, मूव करने वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं, उसमें हमारी अर्थ भी इंक्लूड है। तो इन सब प्लैनेट्स के मूवमेंट से, जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं, एक सिस्टम डेवलप होता है जिसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। सोलर सिस्टम की आप डेफिनेशन कैसे करेंगे? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम्स, प्लैनेट सिस्टम्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। सन के अराउंड मूव करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब क्या बनाती हैं, उन सब की कलेक्शन को क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसके अंदर प्लैनेट्स आएंगे जो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, उसके बाद मून आता है, कॉस्मिक बॉडीज आती हैं, एस्टेरॉयड्स आते हैं, और फिफ्थ नंबर पे स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो आपने याद रखना है कि सोलर सिस्टम बनाने के लिए वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, या फिर उन सब ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, उन सब सिस्टम्स का कलेक्शन जो सन के अराउंड मूव कर रहा है, इन अ सर्कुलर मोशन और इन अ एलिप्टिकल मोशन, उनको क्या कहा जाता है? वो सारे, उन सब की कलेक्शन को क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बाद हम देखेंगे प्लेनेटरी साइंसेस क्या है। प्लेनेटरी साइंसेस के अंदर ऑल द प्लैनेट्स एंड इट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, इट्स स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, प्लैनेट्स और प्लेनेट सिस्टम और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये फंडामेंटल एरिया है ऑफ द प्लेनेटरी साइंसेस। प्लेनेटरी साइंसेस के फंडामेंटल एरियाज आएंगे, क्या क्या है? फर्स्ट वन इज प्लेनेटरी सिस्टम्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें जुपिटर है, मार्स, अर्थ, वीनस, ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं। इन सब प्लैनेट्स को और इसके जितने भी बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कॉस्मिक बॉडीज हैं, फिर उसके बाद एस्टेरॉयड्स हैं, इन सब कंपोनेंट्स का जो कलेक्शन है, वो फंडामेंटल एरिया है इस साइंसेस का, प्लेनेटरी साइंसेस का। प्लेनेटरी साइंसेस हमें हेल्प करते हैं टू डिस्क्राइब द नेबरहुड एरियाज, जो नेबरहुड एरियाज़ के अंदर कॉस्मिक बॉडीज हैं, उनकी स्टडी करने में, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने में ये साइंसेज हमें हेल्प करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है, एक से प्लैनेट के ऊपर फोर्स है, वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प करती है डिफरेंट प्लैनेट्स को और मून को टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव कराने में हेल्प करती है। उसके बाद अगर आप प्लैनेट्स और मून की मोशन को देखते हैं, तो ये किसके अराउंड मूव कर रहे होते हैं? अराउंड द सन। तो ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स बनाता है। अगर न्यूटन के लॉ को देखें, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल रूल, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ग्रेविटी, तो इसमें आप क्या देखेंगे? एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक स्पेसिफिक मास है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट का भी एक स्पेसिफिक मास है। ये जो ऑब्जेक्ट की अट्रैक्शन है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल पुल, और ये अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ग्रेविटी होती है। न्यूटन के लॉ के मुताबिक, न्यूटन का क्या लॉ है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक वेट है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्ट करता है और उसका भी एक स्पेसिफिक वेट होता है। बेसिकली अगर जो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एक मास के ऊपर और एक डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया जाए, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है, अट्रैक्शन की फोर्स है, जो इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कराती है, उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल पुल। और ग्रेविटेशनल पुल जो है, वो डिपेंड करती है इन दोनों के मास के ऊपर और इनके दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके ऊपर। बाय कवरिंग दिस टॉपिक, इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम देखेंगे कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बेसिकली डिपेंड करती है मास के ऊपर और उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है, एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ मास, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
और रिलेशन बिटवीन मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, किस तरह से ये वेट को इफेक्ट करते हैं। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।